अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ अमार लसन, आप देख रहे हैं अमाद इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। आज आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बल्ब की दुकान लगा के बैठे हैं। तो जी हाँ, ये एलईडी बल्ब सारे जल चुके हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि इनको ठीक कैसे किया जाता है। ये मेरे पास एक बल्ब ठीक है, पहले इसको चेक कर लेते हैं। और सबको चेक करते हैं। और ये भी नहीं जल रहा, और ये भी नहीं जल रहा, अब इनको चेक करते हैं कि इनमें कौन कौन सी खराबी है। तो उसके लिए हम लेंगे सीरियस बोर्ड। अगर आप भी सीरियस बोर्ड बनाना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब पर विजिट करके ये वाली वीडियो देख सकते हैं। सीरियस बोर्ड होता क्या है और इसका क्या काम है। सीरियस बोर्ड को पावर दे दी है और इस तरह की लीड आपने बना लेनी है। इसको आप सॉकेट में लगा देना है। ये मैंने बल्ब ले लिया है। सबसे पहले आपने इसको ही ऊपर वाला हिस्सा निकाल लेना है। तो इसके ये बल्ब जले हुए हैं, एक दो तीन चार पाँच। इन पांच बल्ब को अगर ये आप करना चाहते हैं कि यहाँ से बल्ब ये यहाँ से उतार कर आप लगाएं, तो इधर आपने टांका लगा देना है। तो मैं इसकी चिप चेंज करूँगा क्योंकि ये बल्ब हमारे बहुत जले हुए हैं। तो इसको निकालने के लिए आपने किसी भी पेचकस की मदद से इसके ऊपर वाला हिस्सा वक्र का हिस्सा निकाल देना है। हमने प्लेट को कर लिया, खोल लिया है। तो आपने कावी की मदद से इसके टांके रिमूव कर देने हैं। कावी वाली तार ले लेनी है और कावी को गर्म कर लेना है। तो अब इनको लगाते हैं टांके। तो चिप आपने कोशिश करनी है कि आप ट्रांसफार्म वाली लें क्योंकि ये जल्दी ख़राब नहीं होती। तो ये मेरे को चिप पड़ी है बाज़ार से, टोटल 30 रुपये में मैंने ये चिप ले ली है। अभी हम इसको चेक करते हैं क्या हमारा बल्ब जुड़ गया है या नहीं। ये देखिए दोस्तों, हमारा बल्ब बिल्कुल सही वर्क कर रहा है, यानी ओके बिल्कुल। आप भी इस तरह कार में बल्ब रिपेयरिंग कर सकते हैं। आपने ऊपर से ढकना लगा देना है। बल्ब हमारा बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। बल्ब में दो तीन मुख्तलिफ किस्म की खराबी आ सकती हैं। तो आज हमने सीखा है कि चिप रिपेयरिंग करने का तरीका।
मुख्तलिफ वीडियो पर फाड़ बनाऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।